अब ये तो आपने उसका जिक्र किया कि जिन जिन लोगों को कोरोना वायरस हो गया था और वो शफायाब हो गए। अब जबकि जर्मनी काफ़ी खुल गया है, कल से 9 तारीख से तो तकरीबन हर चीज़ ओपन हो जाएगी, रेस्टोरेंट वगैरह भी खुल जाएगा, तो इम्कान है, इम्कान बात कर रहा हूँ, मुमकिन है कि भाई जब लोग आपस में कसरत से मिलें तो ये बीमारी दोबारा अटैक करे या कुछ, उसके लिए कोई ऐसी दवाई बता सकते हैं जो लोग खाना शुरू कर दें उससे बेहतर रहने के लिए। एक तो यही है कि नेशी है, दूसरी दवाई है इससे बचने के लिए जो वो है आर्सेनिक, आर्सेनिक एल्बम 30 में या 200 में। 200 में तो हफ्ते में 2 बार 3 बार, 30 में रोज़ाना 1 बार लें तो इससे आप बचे रहेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो वायरस है ये आपके लंग्स पे डायरेक्ट असर नहीं करता, ये आपके खून पे असर करता है। पहले खून रस करता पहले ये खून पे असर करता है, पहले ये खून को गंदा करता है, होमोग्लोबिन को फाड़ता है, ये एक्चुअली दोनों को अलग अलग कर देता है। वो जो होमोग्लोबिन हैं जो आपके जिस्म में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, वो आपके लंग्स को ऑक्सीजन नहीं जाती, इसकी वजह से क्लैप्स होता है। आर्सेनिक जो है वो आपके ये जो सांस की घुटन होती है इसमें आर्सेनिक आपको इससे बचाएगी, सांस की घुटन नहीं होगी आपको आर्सेनिक लेने से। एकिनेशिया लेने से आपका आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो आप इससे बच सकते हैं। होम्योपैथी में तो अलग फल से सिम्टम्स के ऊपर आप दवाई दें तो बंदा मौत से बच सकता है। तो मरीज़ को बकायदा दिखाना पड़ता है ये सब, टेलीफोन पे भी दवाइयाँ मैं तो मिलती मुंह हैं? टेलीफोन पे देता हूँ, टेलीफोन पे, क्योंकि आजकल मेल कोरोना ने मिलना जुलना बंद किया हुआ है, हाँ तो फोन पे सिम्टम्स सुन के, तो अगर तो कोई करीब है तो आके दवाई ले जाता है, अगर नहीं तो मैं पोस्ट भी कर देता हूँ।